जय मसीह दी आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 22 अध्याय और उसका 11, 12 और 13 मैं पढ़ूंगा। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों आया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ और पांव को बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वह रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बढ़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें और आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। लोग प्रभु जी एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं, प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए समय को प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 22 अध्याय और उसका 1 से लेके 14 तक हम ध्यान करने वाले हैं। पिछले हफ्ते मैंने यही वचन बोला था और अब इसका दूसरा भाग है ये। आप दूसरा भाग को जा रहे हैं हम, और ये है विवाह भोजन का दृष्टांत। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कभी भी कहीं भी कुछ भी बोला हो तो दृष्टांतों से प्रभु यीशु मसीह जो है समझाया करते थे। तो ये दृष्टांत भी एक प्रभु यीशु मसीह ने ही दिया है और मत्ती 22 अध्याय में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर हम लूका की किताब 14 अध्याय और उसका 15 से लेकर 24 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये हमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। यानी कि स्वर्ग का राज्य जो है उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने लोगों को वहाँ पे इनविटेशन दिया। हे भाई और बहनों, हम देखते आ रहे थे कि राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और वहाँ पे इनविटेशन दिया अपने लोगों को और उन्हें बुलाया, मगर उन लोगों ने आज्ञा ना मानी। यानी कि उसका आदर विवाह के आदर नहीं किया, राजा के पुत्र का विवाह था वो लोगों ने आदर नहीं किया। इसलिए राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि वो लोगों ने आना नहीं चाहा है, इसलिए सड़कों पे जाओ, गलियों में जाओ, जितने भी लोग तुम्हें मिले, लंगड़े लूले कोई भी किसी भी तरह के क्यों ना हो, उन सबको विवाह भोजन में ले आओ। हे भाई और बहनों, हमने देखा था पिछली बार कि जो राजा है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया है, राजा जो है परमेश्वर है जिसने भूमि और आकाश की सृष्टि की है, और पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह है, और जो बुलाए गए लोग थे जिन्हें इनविटेशन दिया गया था ये इजरायली और यहूदी थे, मगर इन लोगों ने आना ना चाहा। हे भाई और बहनों, इन लोगों ने आना इसीलिए नहीं चाहा क्योंकि ये लोग समझते थे कि हम इजरायली हैं, यानी कि हम यहूदी हैं, और अपने आप को वो लोग अब्राहम की संतान समझते थे, यानी कि वो अपने आप को जो है धर्मी समझते थे, इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ का आदर नहीं किया। हे भाई और बहनों, जब ये चीज़ का आदर नहीं किया तो फिर राजा ने और दूसरी योजना बनाई कि मैंने अपने पुत्र का विवाह शुरू किया है और उसमें मैंने उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया है, लेकिन ये लोग आने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने इस विवाह का आदर नहीं किया, इसलिए राजा कहता है सैनिकों से कि बाहर जाओ, लंगड़ों और लूलों को, गरीबों को, और जो है भी नहीं उन्हें चुन लाओ ताकि वो विवाह के भोजन में आ जाएं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया
तो उनमें से एक मनुष्य था जो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने बुलाया अपने लोगों को विवाह के लिए कि आओ मेरे पुत्र का विवाह है, मगर उन लोगों ने वो लोग नहीं आए। इसलिए राजा ने दूसरी योजना निकाली कि मेरा खाना जो है बन के तैयार हो चुका है, अब इसे खाने वाला कोई नहीं है, तो जाओ फिर सड़कों पे जाओ और वहाँ पे जितने भी गरीब या लंगड़े या लूले और जितने भी लोग होंगे कंगाल लोग, उन सबको ले आना ताकि वो विवाह भोजन में जो है शामिल हो सके और विवाह भोजन में खा सके और मेरे पुत्र के विवाह को देख सके। हे भाई और बहनों, तो यहाँ पे हम बड़े ही ध्यान से सुना, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने अतिथियों को देखने के भीतर आया तो वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे जिनको बुलाया गया था, लंगड़े थे, लूले थे, कंगाल थे, बीमार थे, ये सारे लोग गरीब लोग थे, जो है भी नहीं थे, जिनको कोई पूछता घिसता नहीं था, वो लोग आए थे विवाह भोजन के लिए, यानी कि विवाह भोजन बन के तैयार हो चुका था और वो लोग खा रहे थे। पर राजा देखने के लिए आए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने देखा कि मनुष्य को देखा जो एक विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, राजा ने उससे पूछा, उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं, हाँ बिना पहने क्यों आ गया है? और उसका मुंह बंद हो गया। हे भाई और बहनों, और राजा ने सेवकों से कहा कि इसका हाथ और पैर दोनों भी बांध के इसे कार कोठरी में फेंक दो, जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक बहुत ही बात है जो समझने वाली बात है कि राजा ने गरीबों को बुलाया, लंगड़ों को बुलाया, लूलों को बुलाया, गरीबों को बुलाया, कंगालों के लिए बुलाया, वो जैसे थे वैसी हालत में जो है आ चुके थे शादी में या विवाह में भोजन करने के लिए, मगर उनके पास नए कपड़े कहाँ से? आप लोग यही सोचते होंगे कि राजा ने खुद उनके कहा था कि लंगड़े लूलों को गरीबों को ले आना, मगर उनके पास वस्त्र कहाँ से होंगे? यानी कि राजा पूछ रहे हैं कि उनके पास वस्त्र इन लोगों ने क्यों नहीं पहने, लेकिन वो तो गरीब थे, वो अपने वस्त्र कैसा खरीद सकते थे? है भाई और बहनों, मगर फिर भी राजा कह रहे हैं कि उन लोगों ने वस्त्र क्यों नहीं पहने। है भाई और बहनों, यहाँ पे हम समझने की बात ये है कि यानी कि लंगड़ों को, लूलों को, गरीबों को और जो है भी नहीं कंगालों को, उनको राजा ने बुलाया था शादी के लिए, विवाह भोजन के लिए, उसके पुत्र के विवाह के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे राजे ने खुद ही उनको वस्त्र दिए होंगे कि ये वस्त्र पहन के तुम मेरे पुत्र के विवाह में शामिल होना। हे भाई और बहनों, मगर उसमें से एक ने वो वस्त्र नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कई साल बीत गए, जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। जब अतिथि को देखने को भीतर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। मेरे मन में भी यही सवाल था, राजा ने तो खुद कहा है कंगालों को, गरीबों को, इन सब को, लंगड़ों लूलों को ले आओ, मगर राजा ने खुद बुलाया उनको, मगर वो तो गरीब थे, वो लोग तो अपने कपड़े नहीं खरीद सकते थे, फिर राजा क्यों पूछ रहा है उनको कि इनके कपड़े क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि राजा ने उन सबको वस्त्र भी दिए थे, विवाह में बुलाया और उन्हें वस्त्र दिए पहनने के लिए कि इसे पहन के विवाह में शामिल हो, भोजन में शामिल हो जाओ। हे भाई और बहनों, लेकिन उसमें से एक ने वो वस्त्र नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, यानी कि वस्त्र नहीं पहनने का मतलब जो है, हे भाई और बहनों, यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसने अपना खून बहा दिया ताकि हम सबको जो है पवित्रता दे सके और हमें उद्धार दे सके। यानी कि ये जो वस्त्र थे जो कि हमने पहले भी देखा कि ये जो राजा है
ये परमेश्वर को दिखाता है, और जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, और जो बुलाए गए थे ये इसराइलियों को दिखाता है। हे भाई और बहनों, मगर इसराइलियों ने उस विवाह का आदर नहीं किया, इसलिए राजा लंगड़े लूलों की तरफ घुमा, यानी कि हमारी तरफ, यानी कि परमेश्वर ने हमारी ओर देखा, यानी कि अन्य जातियों की ओर देखा, या आपकी और मेरी ओर देखा, जो हम के लाचार बीमारियों में थे, गरीब थे, लंगड़े थे, लूले थे। आत्मिक जीवन जो था हमारे जीवन में ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमसे प्यार किया। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी आत्मिक जीवन हमारे जीवन में नहीं था, लंगड़े थे, लूले थे, और हम बेकार थे, जो है भी नहीं थे, और हमारा कोई नाम नहीं था और ना ही हमारी कोई इज्जत थी। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी मंडली में बुलाया, यानी कि अपनी मंडली में, यानी कि किसकी मंडली में? प्रभु यीशु मसीह की मंडली में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए हमको बुलाया। यानी कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है, उसकी दुल्हन जो है वो कलीसिया है। हे भाई और बहनों, यानी कि अन्य जातियों को भी राजा ने बुलाया विवाह में, उसके पुत्र के विवाह में, मगर वो जैसे थे वैसे ही आ गए, मगर राजा ने उन्हें पवित्र वस्त्र दिए, सफ़ेद वस्त्र दिए उन्हें पहनने के लिए, ताकि वो लोग भी अच्छे लगें और एक दिन भोजन में बैठें। हे भाई और बहनों, सभी लोगों ने वस्त्र तो पहने थे, मगर उसमें से एक ने नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बेकार थे, अपनी मनमानी करते थे, गाली गलौज करते थे, और सड़कों पे घुमा करते थे, काम काज किया करते थे, फिल्मों के गाने सुना करते थे, फिल्में देखने जाया करते थे, और एक दूसरे की बदनामी किया करते थे, उस टाइम पे परमेश्वर ने हमें अपने घर में बुलाया और हम परमेश्वर के घर में गए, और परमेश्वर ने हमें पवित्र वस्त्र दिए, यानी कि हमारा जीवन जो था बदल दिया। हे भाई और बहनों, अगर हम विवाह में शामिल होते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें माफ़ करता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम सारे पापों को धो के वो हमें पवित्र करता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे सब लोगों को बुलाया गया, राजा ने सफ़ेद वस्त्र दिए, यानी कि धर्मियों के वस्त्र दिए, यानी कि पवित्र वस्त्र दिए, और उनका जीवन जो था बदल दिया, लेकिन उनमें से एक ने पसंद नहीं किया पहनना। हे भाई और बहनों, आज भी कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं, मीटिंग में अटेंड होते हैं, और प्रार्थना में भी अटेंड होते हैं, देव और सभाओं में भी आगे जाके खड़ते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद ये लोग चर्च में आ गए हैं और ये स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, अगर उसके जीवन में उद्धार नहीं रहेगा, पवित्र वस्त्र नहीं रहेंगे, अगर उसके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उसने कहा, उसने उससे पूछा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने, बिना पहने क्यों आ गया है? और उसका मुंह बंद हो गया, और उसका दांत, और राजा ने उस सेवकों से कहा कि उसके हाथ पांव बांध कर उससे काली कोठरी में डाल दो। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में भी पवित्रता का जीवन अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों, चर्च में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें रोज़ सभाओं में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। हम सबके सामने अगर दिखाएंगे हमारा जीवन कि हम पवित्रता के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर पवित्रता ही नहीं रहेगी, तो भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि इसके हाथ और पैर बांध दो और काली कोठरी में डाल दो, नरक में डाल दो, और वहाँ पर सिर्फ रोना और दांत पीसना ही होगा। हे भाई और बहनों, क्या आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम कैसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया,
ताकि जो कोई उसके नाम के ऊपर विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यानी कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने। आपको और मुझको भी इसलिए बुलाया है ताकि हम भी पवित्रता के साथ जी सकें और अनंत जीवन के वारिस हो सकें। हे भाई और बहनों, आप और मैं भी चर्च को टाइम से चले जाते हैं, प्रार्थना भी टाइम से करते हैं। लोगों को देखने के लिए ऐसा लगता है कि ये बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, टाइम से चर्च आता है, लेकिन भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में अगर आत्मिक जीवन नहीं रहेगा, अगर सफ़ेद वस्त्र नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगी, तो भाई और बहनों, इसने जिस तरह से एक इंसान ने वहाँ पे नहीं पहने थे वस्त्र, तो उसे कहाँ फेंक दिया गया था? आपको और मुझको भी वहीं फेंक दिया जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ही लोग हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर तो सारे जगत को बुलाता है, सारी दुनिया को बुलाता है, आपको और मुझको भी बुलाता है, और हम सब उस स्वभाव में भागी होते हैं। हे भाई और बहनों, जब चर्च में हम आते हैं तो वचन सुनाया जाता है। जो वचन एक को नहीं सुनाया जाता है वो सारी दुनिया को सुनाया जाता है। जब प्रार्थना करते हैं तो सारी दुनिया के लिए प्रार्थना की जाती है। जब चर्चों में खाना बनता है, किसी एक इंसान के लिए नहीं बनता है, वो सबके लिए बनता है। हे भाई और बहनों, वो सारी चीज़ें हम सब के लिए होती हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर हम वो सब चीज़ें खा के हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के घर में आए हैं, अब इसके बाद स्वर्ग के राज्य में सीधा पहुंच जाएंगे टाइम से आने के बाद में भी, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। दिखाने के लिए तो सब लोग वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के घर में आएंगे, परमेश्वर के घर में भोजन करेंगे, परमेश्वर के घर में काम करेंगे, लेकिन भाई और बहनों, उनके जीवन अगर बदला नहीं है, अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुले हैं, अगर उनके अंदर पवित्र आत्मा से नहीं जी रहे हैं, अगर सफ़ेद वस्त्र उन्होंने नहीं पहने हैं, विवाह का वस्त्र अगर उन्होंने नहीं पहना है, तो भाई और बहनों, उनका जीवन जो है उनके हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे और नर्क की आग में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। हे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि वाह विवाह में हमें बुलाया है, हम भी शामिल हों और हम सीधा परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, तो भाई और बहनों, जो राजा ने यानी कि जो परमेश्वर ने हमें जो वस्त्र दिए हैं सफ़ेद, हमें उसे बहुत ही ज़रूरी है पहन के रखना। यानी कि ये वस्त्र जो है हमें पवित्र आत्मा को दिखाता है, ये वस्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है, ये वस्त्र जो है हमारा जीवन दिखाता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कैसा जी रहे हैं। अगर हम प्रकाशित का और उसका तीन अध्याय प्रकाशित और उसका तीन अध्याय को और उसकी पांचवीं आयत को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो जय पाएगा उसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो अपने जीवन को पवित्र आत्मा के साथ जिएगा उसी को सफ़ेद वस्त्र जो है पहनाए जाएंगे। हे भाई और बहनों, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो पवित्र आत्मा के साथ जिएगा, सफ़ेद वस्त्र पहन के अपना जीवन आत्मिक जीवन जिएगा, उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और वो कभी नहीं काटा जाएगा। और लिखा है कि पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसका नाम मैं नहीं काटूंगा और उसका नाम जो है मैं अपने पिता स्वर्गीय पिता के सामने और मैं सारे स्वर्गदूतों के सामने मैं उसके नाम को नहीं काटूंगा और उसका नाम लूंगा। हे भाई और बहनों, क्या आपका नाम भी चाहते हैं आपकी जीवन की पुस्तक में लिखा जाए? अगर आपका नाम उसकी पुस्तक में से काट दिया जाए लिखने के बाद, तो भाई और बहनों, कहाँ पे जाओगे आप? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, जान दे दी, आपके और मेरे लिए लहू बहा दिया,
ताकि वो लहू के द्वारा हम छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके, पवित्र आत्मा पा सके। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी अगर हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जिएंगे तो भाई और बहनों, सफ़ेद वस्त्र हमसे ले लिए जाएंगे, हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा और स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने हमें प्रभु यीशु मसीह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, आज इसराइलियों ने और यहूदियों ने अपने आप को धर्मी समझा कि हम अब्राहम की संतान हैं, इसलिए वो विवाह में शामिल नहीं हुए। हे भाई और बहनों, आपको और मुझको ये अवसर दिया ताकि विवाह में शामिल हो जाओ, उसके लहू से धुल जाओ और पवित्र आत्मा पाओ, सफ़ेद वस्त्र पाओ, अपने जीवन को बदलो। आप अगर उद्धार पाके, नया जन्म पाके, अगर आपके जीवन को आप नहीं बदलते हो तो भाई और बहनों, आप और मुझे भी हाथ और पैर बांध के नरक की आग में फेंक दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वचन में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन पवित्रता के साथ जीने वाले थोड़े ही होते हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले थोड़े ही होते हैं, सभी नहीं होते। सभी जो है मंडली में आने वाले, ये ना समझना कि हम मंडली में आए हैं तो सब लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। हे भाई और बहनों, सभी लोग नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे जो कि पवित्र आत्मा के साथ जी रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन के जी रहे हैं, उनका नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह भोजन के लिए सबको बुलाया। हे भाई और बहनों, इसराइलियों ने कहा हम नहीं आएंगे, हम बिजी हैं। यहूदियों ने कहा हम नहीं आएंगे, हम बिजी हैं, क्योंकि वो समझते थे कि हम धर्मी हैं। हे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और आपकी और मेरी ओर फिरे परमेश्वर। आपको और मुझे आज ये मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके, सफ़ेद वस्त्र पहन सके, पवित्र आत्मा पा सके, पवित्र आत्मा का जीवन जिए, तो आपका और मेरा नाम भी उस पुस्तक में लिखा जाएगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं जीते हैं, तो आपका नाम जो है काट दिया जाएगा और आपको नरक की आग में धकल दिया जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। अगर आपसे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी दया करके मुझे क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। मैं भी परमेश्वर के घर में आया था, उद्धार पाया था और सफ़ेद वस्त्र पहने थे, पवित्र आत्मा से जी रहा था, लेकिन जीते जीते मैं फिर से पीछे हट गया। मुझे दया करके क्षमा करें, फिर से अपने पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा का जीवन दे, ताकि मैं वैसे ही जीऊँ और मैं भी आपके साथ उस भोजन में शामिल हो सकूँ। मुझे भी इंकरेज कीजिए। इस ये प्रार्थना अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को जो है बदल देंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदले और पवित्र आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।